इतना बड़ा सवाल वो तभी पूछ पाए जब उनको राजनीतिक सत्ता मिली, लेकिन चुनकर कहाँ से आए? मुस्लिम बहुल इलाके से आए। तो हम लोग जातिवादी भी नहीं हैं, धर्मवादी भी नहीं हैं, हाँ हम उस समाज के नुमाइंदे हैं जिसका 80-85 तक का शोषित समाज कहना था। अब आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कही है, मुझे बताइए सांसद है और उनके ऊपर गोली का हमला भी हुआ, इस बारे में पूरा देश सामने आया, काफ़ी सारे नेता और टिप्पणी भी थी, आपका इस बारे में क्या? जो जो इस देश में इंसाफ की बात करेगा वो गोली खाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिमों के टुकड़े नहीं देखना चाहता, मैं इस देश को हिंदू मुस्लिम की दो आंखों की तरह देखना चाहता हूँ। नत्थीराम ने गोली मार दी। हमारे कायद ने कहा कि मैं जो लड़ रहा हूँ वो इस देश के संविधान के अधिकार, संविधान ने जो अधिकार दिए है उसे बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी पूरी राजनीति गरीब मजदूर ओबीसी आदिवासी मुसलमानों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए गोली चला दी। और जिन्होंने गोली चलाई वो मास्टरमाइंड कौन है ये तो पूरी दुनिया जानती है। वो लोग एक मखसूस ऐसे धर्मांध संगठना से जुड़े हुए थे, ये पुलिस ने ही बताया। अगर बी टीम होते असदुद्दीन साहब तो गोलियां नहीं चलती, उन्हें तो फूल मिलते। जब गोलियां चली तो वो बी टीम नहीं है, बी टीम कोई और है जो असदुद्दीन साहब को संवैधानिक तरीके से ए टीम बनने देना नहीं चाहती। हम ए टीम है, हम बी टीम नहीं है। और क्या ऐसी बात है जो इतना खतरनाक होते हैं हम लोगों की, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर कोई षड्यंत्र है किसी एक इंसान का, क्या है ये चीज़? असदुद्दीन साहब के उत्तर प्रदेश में आने से सबसे पहले दो पक्षों की चूल्हे हिली, एक भाजपा दूसरा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आता है, अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तीसरे नंबर पे, लेकिन कांग्रेस की भी चूल्हे हुई। इन लोगों ने मुसलमानों को अपनी जागीर समझा था, सपा समझ रही थी कि मुसलमान तो मेरे पलड़े में है, यानी असदुद्दीन साहब लिख रहे हैं कि भैया 7% 8% यादव और 80% मिनिस्ट्री आपके हाथ में, 25% मुसलमान, सादा मिनिस्टर भी नहीं। तो ये जो गणित लोगों के सामने उन्होंने ले गया, उस गणित को देखते हुए कुशवाहा समाज जुड़ा, दलित समाज जुड़ा। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के कयादत में एक नई राजनीति आ रही है जो संविधान के अधिकारों की बात करती है। तो धर्मवादी ताकतों ने उनको रोका गया, उन्हें संविधान नहीं चाहिए, उन्हें मनुस्मृति की व्यवस्था चाहिए। जिसे हम हैदराबाद में नागपुर में इसका क्या स्कोप है, कैसी गति से बढ़ रहा है, लोगों का क्या रहेगा? हम लोगों ने अभी नागपुर महानगर पालिका चुनाव में 16 प्रभागों में 48 पार्षदों को लड़ाने का चिन्हांकित किया और हमें यकीन है कि हम 30-32 पार्षद निकाल लेंगे। महानगर पालिका चुनाव में 16 प्रभागों में 48 पार्षदों को लड़ाने का चिन्हांकित किया और हमें यकीन है कि हम 30-32 पार्षद निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ में कुछ दलित संगठनाओं की, अंबेडकरी संगठनाओं की बैठक हुई है, कुछ पार्टियों की बैठक हुई है, ओबीसी समाज के कुछ पक्षों से बैठक हुई है। हम तालमेल बिठा रहे हैं कि जहाँ से मुस्लिम निकल सकता है वहाँ से मुस्लिम निकलेगा, जहाँ से आदिवासी निकल सकता है और मुसलमानों की वोट की जरूरत है हम वहाँ ट्रांसफर करेंगे। जहाँ पर हम बहुत कम इसमें है लेकिन हमारा दूसरा मिट्टी भाई निकल सकता है तो हम पूरी ताकत से उसको निकालेंगे। इस तरह 48 में से 35 सीटें हम निकालेंगे और इंशाअल्लाह हमारे कायद ने अगर मार्गदर्शन दिया तो पहला महापौर ये हम, अगर उन्होंने कहा तो दलित का बिठाएंगे और उप महापौर और समिति का अध्यक्ष मुस्लिम समाज का बिठाएंगे। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन, बड़ा बहुत सारे लोगों के दिल में ये क्वेश्चन है कि अगर AIMM IIM पार्टी है सिर्फ दलित और मुसलमान ही, क्या हिंदू इसमें शामिल नहीं है, कि हिंदू भी है या लोग बताते नहीं हैं? नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है, हिंदू भाई भी है बड़ी ताकत से। उत्तर प्रदेश में देखिए ब्राह्मण समाज से विधायक बने हैं, मतलब टिकट हमने दिया है, हम मिश्रा जी को दिया है। यहाँ पर जो है हमारी जो ओबीसी समाज से बात चल रही है वो तो हिंदू समाज ही है, वो भला ही ओबीसी लेकिन हिंदू ही कहते हैं अपने आप को। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हिंदू भी आता है, दलित भी आता है, आदिवासी भी आता है, मुस्लिम भी है, यही तो भारत की सम्मिश्र संस्कृति है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।